तब तो इल्डोजर बुलडोजर चलने की कोई आवश्यकता नहीं। बाबा का बुलडोजर बंद, एकदम बुलडोजर नहीं चलेगा, बंद करिए बाबा बुलडोजर। ये तो ये बात हो गई प्रधानमंत्री जी वाली कि मणिपुर में घटना जो घट गई घटी है, जो महिलाओं के साथ नंगा करके घुमाया गया, तो ये कह दिया गया कि फलाने जगह होती है, ढकाने जगह हो जाती है, और प्रदेशों में होती है, तो हो गई तो क्या हो गया, ये कोई बात है? ये गलत चीज़ है। वाराणसी के सनबीम स्कूल में भी कमोवेश यही इसी टाइप की घटना हुई थी, वहाँ पे मैनेजमेंट के किसी व्यक्ति या किसी टीचर की गिरफ्तारी नहीं हुई, फिर आजमगढ़ वाले मामले में क्यों हुआ, उनका ये सवाल। हम कहते हैं अब गांधी जी खत्म हो गए, अब जमाना बदल गया कि एक थप्पड़ हमारे गाल पे आप मार दिए तो हम कहेंगे इस पर भी मार लीजिए। नहीं नहीं, हम एक थप्पड़ अगर मारेंगे तो हम आपको दो थप्पड़ मार करके आपको जवाब देंगे, ताकि हमारे बच्चों के साथ कोई अनहोनी होती है तो इस प्रकार की अनहोनी ना हो। और ये सरासर दोषी हैं, ये अपनी मनमानी चलाना चाहते हैं, ये मनमानी इनकी नहीं चलनी चाहिए। तो आप जो कह रहे हैं उससे तो नुकसान बच्चों का ही होगा ना सर, स्कूल प्रबंधन ने या स्कूल एसोसिएशन ने एक दिन का बंद बुलाया, उन्होंने प्रशासन के खिलाफ अपनी एकजुटता को दिखाने की बात कही है, लोगों में मैसेज गया कि अपना शक्ति प्रदर्शन करना चाह रहे हैं इसलिए ऐसा किया है। आप कह भी रहे हैं कि एक तीर से दो निशाना है, बिल्कुल ठीक है, तो अगर आप पाँच दिन की बात कह रहे हैं कि अभिभावक संघ से मैं गुजारिश करूंगा कि पाँच दिन बच्चों को ना भेजें, तो नुकसान तो बच्चों को। मैं तो अभिभावक संघ सभी आप अनुरोध करता हूँ, अभिभावक लोगों से अनुरोध करता हूँ कि आप अगर ये एक दिन विद्यालय की बंद करते हैं, बच्चों को नहीं लाने देते हैं, तो कम से कम आप पाँच दिन बच्चों को मत जाने दीजिए, इनको भी सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। जो विद्यालय प्रबंध समिति है, चाहे विद्यालय संघ जो बना है, क्या ये हमको इस बात को बताएंगे कि उनका जो बच्चों का एक दिन का विद्यालय बंद किए हैं उसके नुकसान का भरपाई कौन करेगा? जब मई जून के महीने में विद्यालय बंद होता है उसके बाद भी अभिभावक से फीस ली जाती है, तो क्यों ली जाती है? आखिर इनकी मनमानी कब तक चलेगी? नमस्कार, बदलेगा भारत देख रहे हैं आप, इस वक्त उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरटीआई एक्टिविस्ट पत्रू राम विश्वकर्मा हैं, इनसे हम लोग बातचीत करेंगे श्रेया तिवारी के मामले को लेकर के। स्कूल एसोसिएशन ने 8 अगस्त को बंद बुलाया था और उसके बाद उत्तर प्रदेश के तमाम स्कूल बंद रहे, इसे ये किस तरह से देखते हैं इस पर भी इनसे बातचीत होगी। और श्रेया तिवारी को लेकर के जो अभिभावक संघ सड़क पर उतर आया है उसके विषय में भी आपसे बातचीत करेंगे, ये कितना सही है 8 अगस्त को स्कूल एसोसिएशन ने बंद बुलाया, कहा कि सारे स्कूल बंद रहेंगे अपनी एकता को दिखाने के लिए, अपनी एकजुटता को दिखाने के लिए, उसके बाद 8 अगस्त को अभिभावक संघ और आजमगढ़ के बहुत सारे युवा सड़कों पर उतर आए। ये लड़ाई जो है, ये विवाद जो है, अब आपको किस मोड़ पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, जहाँ तक मेरा अपना मानना है कि विद्यालय का जो एक संघ है, प्रबंध समिति और विद्यालय संघ जो है, ये अपनी मनमानी पर उतर चुका है। अब वो ये दिखाना चाहता है कि हम मजबूत हैं, हम जो चाहेंगे वही करेंगे, और अभिभावक के साथ चाहे छात्रों के साथ जैसा हमारा विचार बनेगा उस तरीके से हम उतर के दिखाएंगे, हम सफल होंगे। नहीं तो यदि श्रद्धांजलि अर्पित करने की बात थी तो विद्यालय में श्रेया का फोटो लगाकर, स्कूल की तरफ से कहा गया, मौन भी रख करके उसे श्रद्धांजलि दी गई श्रेया तिवारी को, कहा गया कि हम अपनी एकजुटता को भी प्रदर्शित करने के लिए काली पट्टी बांध करके आज हमने विद्यालयों को बंद रखा है, पुलिस ने जो गिरफ्तारी की है प्रशासन के खिलाफ उनका रोष। देखिए, ये एक तीर से दो निशाना है। अच्छा, इन लोगों का एक तीर से दो निशाना है कि इधर तो श्रेया को दे रहे हैं कि हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उधर काली पट्टी बांध कर विद्यालय को बंद करना। क्या ये विद्यालय और जो विद्यालय प्रबंध समिति है, चाहे विद्यालय संघ जो बना है, क्या ये हमको इस बात को बताएंगे कि उनका जो बच्चों का एक दिन का विद्यालय बंद किए हैं उसके नुकसान का भरपाई कौन करेगा? जब मई जून के महीने में विद्यालय बंद होता है उसके बाद भी अभिभावक से फीस ली जाती है, तो क्यों ली जाती है? आखिर इनकी मनमानी कब तक चलेगी? मैं तो अभिभावक संघ सभी आप अनुरोध करता हूँ, अभिभावक लोगों से अनुरोध करता हूँ कि आप अगर ये एक दिन विद्यालय की बंद करते हैं, बच्चों को नहीं लाने देते हैं, तो कम से कम आप पाँच दिन बच्चों को मत जाने दीजिए, इनको भी सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारे बच्चों के साथ कोई अनहोनी होती है तो इस प्रकार की अनहोनी ना हो। और ये सरासर दोषी हैं, ये अपनी मनमानी चलाना चाहते हैं, ये मनमानी इनकी नहीं चलनी चाहिए। तो आप जो कह रहे हैं उससे तो नुकसान बच्चों का ही होगा ना सर, स्कूल प्रबंधन ने या स्कूल एसोसिएशन ने एक दिन का बंद बुलाया, उन्होंने प्रशासन के खिलाफ अपनी एकजुटता को दिखाने की बात कही है, लोगों में मैसेज गया कि अपना शक्ति प्रदर्शन करना चाह रहे हैं इसलिए ऐसा किया है। आप कह भी रहे हैं कि एक तीर से दो निशाना है, बिल्कुल ठीक है, तो अगर आप पाँच दिन की बात कह रहे हैं कि अभिभावक संघ से मैं गुजारिश करूंगा कि पाँच दिन बच्चों को ना भेजें, तो नुकसान तो बच्चों को। देखिए, बच्चों का नुकसान है, लेकिन यहाँ अगर ये अपनी मनमानी दिखाना चाहते हैं और ज़बरदस्ती अभिभावक और बच्चों के साथ करना चाहते हैं, तो अभिभावक को तो दिखाना होगा
अभिभावक को भी दिखाना होगा कि अगर आप हमारे बच्चों के साथ मनमानी करेंगे, बर्बरता करेंगे और हमें पीड़ा पहुंचाने के लिए, प्रशासन को पीड़ा, प्रशासन तो अपना सही काम कर रहा है, प्रशासन को पीड़ा पहुंचाने के लिए अगर ये एक दिन बच्चों को रोक रहे हैं, विद्यालय बंद रख रहे हैं, तो अभिभावक संघ भी बच्चों को एक दिन कम से कम रोक कर दिखाए कि आपका अगर संघ मजबूत है, आप मजबूत हैं, तो हम भी मजबूत हैं, हम कहीं से कमज़ोर नहीं हैं। क्या आपको लगता है कि प्रशासन पर दबाव डालने के लिए ये सब किया जा रहा है? बिल्कुल, पूरे उत्तर प्रदेश में यहाँ से लेकर राजधानी लखनऊ तक के विद्यालयों को बंद रखा गया है। मेरे यहाँ भी रात में कई जगह से विद्यालयों से, लखनऊ से भी फ़ोन आए, कई लोगों द्वारा जो टीचर प्राइवेट तौर से वहाँ वर्क कर रहे हैं, उन्होंने बताया, पूछा कि क्या मामला है, तो मैंने बताया। तो अगर पूरे प्रदेश में ये बंदी दिखा रहे हैं अपनी हनक जनाने के लिए, अपना पौवा बीस करने के लिए, तो ये तो मनमानी है और मनमानी नहीं चलना चाहिए। मैं कहता हूँ, अगर मान लीजिए श्रेया के पास मोबाइल मिल गया, इस समय जो बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार, अनहोनी रास्ते चलते तमाम चीज़ें हो रही हैं, उस पर यदि मान लीजिए श्रेया दूर से आती है, रानी की सराय के आगे किसी गांव से आती है, यदि मान लीजिए मैं रास्ते में उसके साथ कोई घटना घट जाती है, तो क्या विद्यालय उसको घर तक छोड़ता है? नहीं छोड़ता है। अगर कोई गरीब परिवार का बच्चा बस से नहीं आ सकता, हॉस्टल नहीं ले सकता है, तो आखिर उसकी सुरक्षा कैसे होगी? कम से इस बात का जवाब जब हम लोगों ने, वहाँ की प्रिंसिपल हैं, एक विंग की प्रिंसिपल हैं जी, जब उनसे हम लोगों ने पूछा, तो उन्होंने कहा कि माता पिता को, स्कूल प्रशासन को, प्रबंधन को बताना चाहिए कि हमारी बच्ची जो है फला फला कारणों से मोबाइल लेके जा रही है, विद्यालय आके मोबाइल जमा कर दे, विद्यालय से जाते समय मोबाइल लेकर के चली जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन गार्जियन ने ऐसा नहीं किया। दो चीज़ें हैं जी। हो सक देखिए यहाँ तो अपने आप के बचाव में कुछ भी कहा जा सकता है। हो सकता है कि श्रेया के माता पिता बताए रहे हों, हाँ श्रेया उस दिन गलती की हो, मोबाइल न जमा कर पाई हो, ये भी हो सकता है। लेकिन यदि मोबाइल पकड़ी गई, विद्यालय में जांच हुई, मोबाइल पकड़ी गई, हम मानते हैं कि कोई बहुत बड़ी आपत्तिजनक चीज़ मोबाइल नहीं है। कोरोना काल में जब मोबाइल को अलर्ट कर दिया गया कि अब नेट से पढ़ाई होगी, ऑनलाइन पढ़ाई होगी, तो आज मोबाइल पर क्यों इतनी रोक है भाई? दूसरी चीज़, घर के लिए, घर के लिए ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर श्रेया की मोबाइल मिल ही गई, तो कम से कम विद्यालय के प्रधानाचार्य या क्लास टीचर को चाहिए था कि तत्काल उसके माता पिता को खबर करें, फ़ोन करें, बुलाएं और उनको समझाएं, उसके बाद प्रबंध समिति में बैठकर निर्णय लें कि इस बच्ची को विद्यालय में रहने देना है या निष्कासित करना है। ये निर्णय होना चाहिए, न कि उस बच्ची को प्रताड़ित करना, मानसिक रूप से पीड़ा पहुँचाना, उसको टॉर्चर करना, ये कहीं के संविधान में नहीं लिखा है। अगर ऐसा लिखा हो तो प्रधानाचार्य, चाहे क्लास टीचर, चाहे प्रबंधक महोदय, बताएं हमको, कहीं ऐसा संविधान में नहीं लिखा कि आप इस तरह की पीड़ा किसी को पहुंचा। परिवार बार बार ये कह रहा है कि प्रताड़ित किया गया बच्ची को, प्रताड़ना दी गई, लेकिन स्कूल प्रबंधन का साफ तौर पे कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो आखिर बात संभलेगी कैसे, बात बनेगी कैसे? अपने मियां हम मिट्ठू बनना, ये तो अलग की बात हो गई। अरे हम गलती कर दें, हमने कहा था कुछ किया ही नहीं है, तो हम कैसे मान लें कि आपने कुछ किया है? क्या इन लोगों ने सीसीटीवी कैमरे की जाँच किया? बिना जाँच के उस बच्ची को क्यों प्रताड़ित किए? क्यों किए? इनको अपने विद्यालय के सीसीटीवी कैमरे को भी देखना चाहिए, सब कुछ को भी देखना चाहिए। बच्ची को प्रताड़ित कर देना एक गलत चीज़ है। ये केवल इस मुकदमे को समाप्त करने के लिए, पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए, संविधान के साथ खिलवाड़ करने के लिए इस तरह का जो आज विद्यालय बंद का आह्वान किया गया था, ये सरासर संविधान के विरुद्ध है और गलत है। मैं इसका विरोध आप इसे गलत मानते हैं? मैं इसको गलत मानता हूँ, इसका विरोध करता हूँ। और जो अभिभावक संघ ने बंद बुलाया है उसे कितना सही मानते हैं? उसको सही मानता हूँ, इसलिए इनका मुंह तोड़ जवाब कैसे दिया जाएगा? हम कहते हैं अब गांधी जी खत्म हो गए, अब जमाना बदल गया कि एक थप्पड़ हमारे गाल पे आप मार दिए तो हम कहेंगे इस पर भी मार लीजिए। अच्छा। नहीं नहीं, हम एक थप्पड़ अगर मारेंगे तो हम आपको दो थप्पड़ मार करके आपको जवाब देंगे। वो तो जमाना बदल गया है, जो हुकूमत थी चल रही थी कि लोग एक थप्पड़ खा करके बर्दाश्त कर ले रहे, तो समय अब नहीं है। ये बर्दाश्त करने का नतीजा श्रेया के साथ और भी बच्चियों के साथ इस तरह हुआ है। अभी आज खबर में किसी चल रही थी किसी और बच्ची के साथ ऐसा हुआ था, तो अगर उसी समय जवाब दे दिया गया होता तो आज श्रेया के साथ ये घटना नहीं होती। एक सवाल वहाँ की, जो मैं बता रहा था, एक विंग की प्रिंसिपल साहिबा हैं, वरिष्ठ हैं, उन्होंने कहा कि वाराणसी के सनबीम स्कूल में भी कमोवेश यही इसी टाइप की घटना हुई थी, वहाँ पे मैनेजमेंट के किसी व्यक्ति या किसी टीचर की गिरफ्तारी नहीं हुई, फिर आजमगढ़ वाले मामले में क्यों हुआ? उनका ये सवाल है। ये तो ये बात हो गई प्रधानमंत्री जी वाली कि मणिपुर में घटना क्यों घट गई, घटी है जो महिलाओं के साथ नंगा करके घुमाया गया, तो ये कह दिया गया कि फलाने जगह होती है, ढकाने जगह हो जाती है, और प्रदेशों में होती है, तो हो गई तो क्या हो गया, ये कोई बात है? ये गलत चीज़ है, ये उनका जवाब बिल्कुल गलत है, मैं इस जवाब को सही नहीं मानता हूँ। एक बात उन्होंने और कहा, उन्होंने कहा कि जैसे मान लीजिए घर पे अगर कोई सुसाइड करता है, कोई बच्ची सुसाइड करती है, तो क्या गार्जियन, पेरेंट्स अरेस्ट किए जाते हैं? क्या पुलिस उनको गिरफ्तार करती है? अगर विद्यालय में ऐसा केस हो गया तो फिर टीचर और प्रिंसिपल को गिरफ्तार करना कितना वाजिब है? देखिए,
घर पे भी अगर कोई इस तरह की घटना घटती है, कोई लड़की आत्महत्या करती है, फांसी लगाती है, पॉइजन खाती है, पुलिस प्रशासन उसमें भी जांच करता है, लेकिन कभी घर के लोग या गांव के लोग या पूरे ज़िले के लोग इस तरह प्रशासन पे दबाव नहीं बनाते हैं, इस तरह कोई दबाव नहीं बनाता है कि हाँ हम शुद्ध हैं, सही हैं। प्रशासन जाँच करती है, जाँच करके अपनी रिपोर्ट लगाती है, अगर घर परिवार के लोग दोषी हैं तो उनके खिलाफ़ कार्रवाई होती है, नहीं तो क्लीन चिट देते हैं। तो प्रशासन को अपना काम करने दे लोग, विद्यालय बंद का आह्वान का क्या मतलब है भाई? प्रशासन के ऊपर दबाव बना के आप चाहते हैं कि केस को खत्म कर दिया जाए? बिल्कुल सरासर अन्याय और गलत है। अगर ऐसा होता है तो गलत है और अन्याय है। आप इसे गलत मानते? बिल्कुल गलत मानता हूँ। बाकी रहा जो अभिभावक संघ कर रहा वो ठीक है? बिल्कुल सही है, इनका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए करना पड़ेगा। श्रेया को फिर न्याय कैसे मिलेगा? अगर बात किसी मोड़ पे बैठ के, मतलब बात किसी जगह पे जाके ख़त्म नहीं होगी, तो तमाम इस तरह के अगर अवरोध आते रहे सामने, तमाम विवाद उत्पन्न होते रहे, तो फिर तो आजमगढ़ की पहचान का संकट आ जाएगा। प्रदेश सरकार अगर प्राइवेट विद्यालयों पे लगाम लगा दे, जिस दिन मनमानी इनकी समाप्त कर दे, उस दिन सारी व्यवस्था सुधर जाएगी, कहीं कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं होगी। प्रदेश सरकार जो विद्यालय चल रहे हैं उसमें मनमानी चल रहा है, फीस से लेकर के ड्रेस से लेकर के कॉपी किताब तक के लेकर के बार बार खबरें चल रही हैं, आप जैसे पत्रकार महोदय लोग चला रहे हैं, लेकिन उसका क्या अर्थ निकल रहा है? कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, अब कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। जिस दिन सरकार अगर प्राइवेट विद्यालयों पर लगाम कस देगी, उस दिन सारी व्यवस्थाएँ हल हो जाएंगी, किसी प्रकार कोई कोई विवाद नहीं रहेगा। अगर बढ़िया माहौल, बढ़िया शिक्षा प्राइवेट संस्थान दे रहे हैं, उसकी फीस ले रहे हैं, तो समस्या क्या है? क्या आपको लगता है कि जो सक्षम है उनके बच्चे इस वक्त जो प्राइमरी या जो इंटर कॉलेज हैं सरकारी, उसमें पढ़ने के स्थिति में हैं? आपने ये कहा है कि प्राइवेट संस्थान अच्छे शिक्षा दे रहे हैं, तो सरकारी विद्यालयों को बंद कर दिया जाए? अगर सरकारी में सही आपने सरकार से गुहार लगाई है, तो क्या जो सरकारी विद्यालय हैं वो इस लायक हैं कि लोगों के बच्चे वहाँ? मैंने इसीलिए कहा है, तो सरकार को सरकारी विद्यालय बंद कर देना चाहिए। अगर सरकारी विद्यालय, सरकारी कर्मचारी, सरकारी टीचर अगर बच्चों को सही शिक्षा नहीं दे सकते हैं, तो उनको बिना वेतन दे करके और देश के ऊपर बोझ डालना, प्रदेश के ऊपर बोझ डालना गलत है। या तो सरकार लगाम कसे, सरकारी विद्यालयों पर जो है कि सुदृढ़ व्यवस्था बनाए और सरकारी टीचरों को ऐलान कर दे, उनके लिए एक दिशा निर्देश जारी कर दे कि सरकारी टीचर या सरकारी जितने कर्मचारी हैं उनके बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ेंगे, विद्यालय अपने आप सुधर जाएगा। डीएम साहब के, एसपी साहब के, आरआई साहब के, सभी लोगों के बच्चे अगर विद्यालय में एडमिशन ले लें ना, 24 घंटे के अंदर विद्यालय की एकदम तस्वीर न बदल जाए, तो फिर कहिएगा मैं आपके सामने बोलना बंद कर दूंगा। चलिए, विद्यालय प्रशासन जो है वो अपने आप को कह रहा है कि हम पीड़ित हैं, हमारे साथ गलत हुआ, हमारे टीचर और प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया गया, पहले जांच उच कर लेनी चाहिए थी, अगर दोषी होते तब गिरफ्तार करते, और जिसने अपनी बेटी खोया निश्चित तौर पे वो पीड़ित, उससे बड़ा दुख किसी का नहीं है। तो इस मामले में क्या लगता है आपको, पत्रुराम विश्वकर्मा को क्या लगता है, कैसे न्याय कैसे होगा? देखिए, जैसे विद्यालय प्रबंध समिति को ये लगता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, प्रशासन को पहले जाँच करनी चाहिए उसके बाद गिरफ्तारी करनी चाहिए, तब तो इस हिसाब से हत्या हो जाए, मौके पर हत्यारा अगर नहीं है तो उसकी भी जाँच की जाए, तब उसको गिरफ्तार किया जाए, चार्जशीट लगने के बाद गिरी, तब तो ये व्यवस्था बदल गई, तब तो संविधान में बदलाव लोग ला दें कि कहीं भी किसी भी मुकदमे में FIR दर्ज होता है किसी अपराध में, तो पहले उसकी जांच हो, उसके बाद अपराधी को गिरफ्तार किया जाए। तब तो बुलडोजर चलने की कोई आवश्यकता नहीं। बाबा का बुलडोजर बंद, एकदम बुलडोजर नहीं चलेगा, बंद करिए बाबा बुलडोजर। अगर ये व्यवस्था लागू करनी है, विद्यालय प्रबंध समिति अगर दबाव बना के इस तरह काम करना चाहता तो बाबा अपना बुलडोजर बंद कर दीजिए, नहीं तो इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करिए। चलिए, आखिरी सवाल, श्रेया को न्याय मिलेगा? बिल्कुल न्याय मिलेगा, बिल्कुल न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा। हम लोग श्रेया के साथ हैं, श्रेया नहीं रही लेकिन उसके माता पिता ने जो अपनी बच्ची को खोया है, क्या कोई वापस करेगा? हम लोग उसके साथ हैं, न्याय मिलेगा श्रेया को। चलिए, हमने बात किया सामाजिक कार्यकर्ता, RTI एक्टिविस्ट पत्रुराम विश्वकर्मा से, जिन्होंने हमारे हर एक सवाल का जवाब दिया। आप क्या सोचते हैं इस पूरी बातचीत में, विद्यालय प्रशासन जो अपने आप को पीड़ित बता रहा है, पीड़ित परिवार है जिन्होंने अपनी बेटी को खोया है, इस पर आपका क्या कहना, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।